हमारे जाते हैं उधर मस्जिद में जाते हैं तो मौलवी साहब कहते हैं कि जिसने एक नमाज भी छोड़ दी तो 50,000 साल के लिए गया दो दख में। तो हम तो नमाजें पढ़ते कौन है पता नहीं कितने दो दख में चले गए ना। तब हम सोचते हैं कि जब हमारे लिए जन्नत नहीं है तो फिर इसी दुनिया को जन्नत बना लो। उनका नजरिया ये है कि इस दुनिया को जन्नत बना लो क्योंकि हम जन्नती नहीं। वो कहते हैं शराब पीने वाले कहते हैं हम यहाँ शराब छोड़ भी नहीं सकते हैं। गैर महरम मिलने वाले कहते हैं हम गैर महरम के साथ पढ़ते हैं उनके साथ काम करते हैं। नमाजें छोड़ने वाले कहते हैं बिल्कुल ही दोस्त की है ना। इस वजह से हमारा दीन इस्लाम से कोई रगबत नहीं रही। जब उनको समझाया है कि ये बीमारी है गुनाहों की बीमारी है इनकी इलाज भी तो कराना है ना। सुभान कितना बड़ा मर्ज है उसका इलाज तो आदमी कराते ही है ना। तब भी उसको शफा होती है ना। तो ये तुम्हारे गुनाहों का मर्ज का इलाज जो है ना ये अल्लाह का जिक्र है ना। इसको करोगे तो तुम्हारे मर्ज बाहर निकलेगा तुम फिर उनकी बात समझ में आएगी। तो फिर जब उन्होंने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी ना तो वही अब दौड़ी में रखने नमाजों में पढ़ने क्योंकि इंसान के अंदर मर्ज है गुनाह होगा ना उसको अल्लाह के बगैर कोई जला नहीं सकता। यकीन करो तुम्हारी नमाज भी नहीं जला सकती तुम्हारा तलावत ही उसको नहीं जला सकती। मुझे तुम्हारे अंदर मर्ज है अब नमाज अंदर नहीं जाती ना तलावत भी अंदर नहीं जाती ना तुम्हारा काबा भी नहीं जला सकता ना काबा भी अंदर नहीं जाता उस बाहर से देखा ना। जब अंदर अल्लाह अल्लाह नस्ल में जाता है खून में जाता है तो खून से हो जरासीम बांध और ये गुनाहों के जरासीम होते हैं। जिस तरह गोबर वोबर है गंदगी है तो उसमें जरासीम होते हैं ना जी। ये देखने में आया ना इसी तरह कोई भी बीमारी लग जाती है ना तो उसके भी जरासीम होते हैं। ये भी देखने में आया ना वो जो पेशाब में या खून में टेस्ट करते हैं जरासीम होते हैं ना। इसी तरह मैंने पहला जो तजर्बा मेरे साथ हुआ था हम गुनाहों को गुनाही समझते थे ना आप भी गुनाही समझते हैं ना इनके जरासीम होते हैं गुनाहों के। पहली दफा घर बच्चा हुआ मेरा हैदराबाद में तो जिस कमरे में बीवी थी ना तो वहां से उसके जिस्म से छोटे छोटे जरासीम निकले ना मुझे नजर आए बाहर निकलते। मैं सोच में पड़ गया कि ये जरासीम किस बीमारी के हैं। वो साथ क्यों बैठी थी उनको बुलाया उनको दिखे नहीं सिर्फ मुझे दिखे नजर आए। उनसे पूछा बच्चों से पूछा उन्हें हमें कुछ नजर नहीं आता है लेकिन मुझे वो उसके जिस्म से जरासीम जो है ना वो उड़ते हुए निकल। तो तहकीक ही पता लगा ये जो गुनाहों के जरासीम होते हैं ना इस हालत में औरतों की निकलते हैं। तो तभी मना किया गया जाकरों को उस वक्त हम उस कमरे में ना रहा कर जरासीम तुम्हारे अंदर भी जाएंगे ना। इसी तरह जिस तरह ये बातनी मखलूक है जिन भूत बातनी है उनके बातनी सवारियां ये भी आप तस्लीम करना पड़ेगा ना। और ये अफरा ब्राक और अब बात नहीं है ना इसी तरह ये गुनाहों के बातनी जरासीम बन जाते हैं इंसान के। तो फिर उसके बाद एक और तजर्बा हुआ कि जब मैं लाल बाग में अल्लाह के सर में लगाता तो कीड़ियों की तरह मोटे मोटे कीड़ियों की तरह मेरे जिस्म में नीचे चढ़ते अल्लाह से माज से नहीं इतलावत से नहीं अल्लाह के सरपों से। फिर वो पता लगा कि ये जो है ना ये गुनाहों के जरासीम है जिसम से निकल बिल्कुल जिस तरह जहरी में जरासीम होते हैं ना इससे ये बातनी जरासीम बन जाते हैं। सिर्फ ये दिखते हैं वो दिखते नहीं है। आपने कई दफा देखा होगा कि आपके जिसम से चिमटियां चल रही हैं देखते हैं चिमटी नहीं है लेकिन वही तुम्हारे गुनाहों के जरासीम है। ये तो कई दफा हाँ तो वही गुनाहों के जरासीम है।
अंदर चलते हैं, सुरसरी सी महसूस होती है, यानी बिल्कुल वही काम करते हैं जो जहरी जरासीम काम करते हैं। बिल्कुल वो तो सिर्फ ये कि जहरी वाला दिखता है, वो दिखता नहीं है, महसूस वही होता है। उनकी वजह से गुनाहों की बीमारी पैदा होगी अंदर, जितना बड़ा जरासीम, जितने ज्यादा जरासीम हो गए उतनी सख्त बीमारी होगी अंदर। फिर वो जरासीम उसको हलने नहीं देते हैं, ना नमाज की तरफ ना रोजे की तरफ, गुनाह के जरासीम, गुनाह गलब आ गए ना उसको, वो ताकत पकड़ेगा। जिस तरह बीमारी आपको कोई लग गई, वो बीमारी, वो जरासीम आपको उठ नहीं देंगे ना, सही चारपाई लटा देंगे, उठ नहीं सकेंगे। इसी तरह वो जरासीम भी आपको नमाज वाली तरफ नहीं जाने देंगे, सुस्ती पैदा कर देंगे आपके जिसमें। तो उनका जो इलाज है ना, ये अल्लाह की तरफ है, क्योंकि अल्लाह में जो नूर है ना, अगर और कुछ नहीं होगा ना, अल्लाह अगर आप बाहर से भी अल्लाह करते हैं ना, तो जो बाहर के जरासीम है गुनाह के, वो तो बाहर निकलेंगे ना। तो फिर जब अल्लाह अंदर जाएगा ना, फिर अंदर से खून खून से जरासीम बाहर निकलेगा। ये तो हमने तजर्बा किया है, तो इतना तजर्बा किया है कि जिक्र के दौरान और जब नफ्स कुत्ते की हालत में इतना बड़ा, वो बाहर निकलता था, सामने बैठ कर देखता, जिक्र से वो नफ्स भी बाहर निकल जाता है, सबसे बड़ा जरासीम जो था। अगर आप मानते हैं कि वो नफ्स होता है, कोई शक्ल होती है, अगर नफ्स तो होता है तो उसके जरासीम भी होते होंगे, सबूत है ना, क्योंकि हर चीज के जरासीम तो होते ही हैं। जब तक जरासीम अंदर है तुम्हारे जिसमें पाक नहीं है ना, अल्लाह की जरबों से वो पाक होता है, फिर पाक होता है, फिर वो पाकों में चला जाता है। अभी तुम नकल असल नहीं हो, ये जो तुम्हारा खाना काबा, ये भी नकल है तुम्हारे लिए, नकलों नकलियों के लिए ना, असली के लिए ये नहीं, असली के लिए बैतुल मामूर है ना, ये काबा उसकी नकल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिखाया गया बैतुल मामूर, इस किस्म का नकलियों के लिए काबा बनाओ, मैं ये सारे ऊपर नहीं आ सकेंगे ना। चलो वहीं से टेक ले, उनके लिए ये काबा बनाया ना, असली काबा है ना वो, तुम्हारे लिए ये जन्नत बनाई है ना, फल वल भेज दिए सब कुछ, लेकिन असली की जन्नत तो ऊपर है ना, पर यही फल फ्रूट वही है, इसमें मादियत है ना, उसमें मादियत, उसमें नूर है, इसमें मादियत है, सेब यही है, उसमें नूर है, इसमें मादियत है, नार, ये जो नार है नकलियों के लिए, वो असलियों के लिए, नूर असलियों के लिए। यहाँ जो मकान है ना, मकान ये नकलियों के बनाए, ईंटे गारे पत्थर नकलियों के लिए बनाए, ये इनको भी रहना है ना, तो असलियों के लिए तो सोने चांदी के महलात बनाए, ये तो नकलियों के लिए औरतें बना दें, ये भी हरियाणा दिल तो बहलाना इनको, ये भी उसका इंसाफ है, सही है, असली में तो हुए नहीं, ये दुनिया जो है ये नकल है, सब नकल है, तुम्हारा जिस्म भी नकल है। अब जो तुमको आगे जिस्म मिलेगा ये तो नहीं होगा ना, वो तो ना बुढ़ा होगा, ना मरेगा, ना जलेगा, जिस्म तो दूसरा, ये नकल है, असल उधर है, नकल है। और यकीन करो अगर तुम असल को देख रहे हो, सिर्फ उन्हें देख लो, ये औरतें तो सब तुम्हें ऐसे नजर आए जैसे मेंढक के, यकीन करो कई अरसा हमको बीवी मेंढक नजर आती थी, बीज नहीं और सेम क्या है, मुझे तो मेंढक नजर, पता नहीं क्या हो गया, और कई अरसा फिर उसे सिलसिला बंद हुआ जाके, फिर अब पता लगता है ये औरतें, मैं इंग्लैंड से मुड़ के आया वापस, सब कली कली नजर आए ना, ये भी औरतें। तो जब कोई उनको देख लेता ना, तो ये सब औरतें दुनिया की, जो सीन से सीन औरत भी उसको मैटर नजर आता, तो इस वजह से तुम्हारा असल ये नकल तुम्हारा इम्तिहान है, पर्चे हैं बस। अब भी जिसको अल्लाह चाहता है दोजख में, जिसको चाहता है जन्नत में, बड़े तू कितना बड़ा आबद क्यों ना हो, अगर वो चाहेगा तो दोजख में ले जाएगा, बड़े कितना बड़ा गुनाहगार क्यों नहीं हो, चाहेगा तो दहशत में ले जाएगा, क्यों ये ऐसा हुआ है। फिर क्या वजह है कि यहाँ आकर इस दुनिया में भेजने, फिर मकसद क्या है, मैं जिसको चाहता वहीं से दौलत, जिसको चाहता वहीं से बेशत में, तो दुनिया में भेजने का मकसद क्या था। फिर जब दुनिया जिसको जन्नत में लेके जाता ना, तो दोस्त की एतराज करता ना,
भाई मैंने क्या किया था, उसको दहशत दे दी, मुझे दो दे दी, एतराज करता ना, उस एतराज को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने रूह को नहीं चलाया, ये जिस्म दिए, फिर जब एतराज करेंगे ना फिर अमल दिखाएगा ना, तूने ये अमल किया उसने वो, फिर कहेगा तूने कुत्ते को ही बख्श दिया, मुझे दो में भेज दिया, हजरत कुतमीर वो कुत्ता तो मेरे दोस्तों का दोस्त है कुत्ता बख्श दिया ना, तो तू तो जाते नहीं, तू तो मुखालफत करता था, कोई ना कोई बहाना हो जाता उस पर घर चोरी करने गया था, तूने कुत्ता बना दिया था, तो जिस वक्त वो गौस पाक के सामने था उस वक्त गौस पाक में मैं था ना, उस वक्त गौस पाक तो नहीं था, उस वक्त मैं था, तो मेरी नजरों के सामने आ गया, बस उस वक्त कोई भी आ जाता मैं उसको रंग देता, तो उसमें क्या हो जाता, ये नुकता, ये नुकता था, जिस तरह सुल्तान साहब थे ना जब बाहर निकलते, इनमें एक वक्त ऐसा होता जिनमें रब होता, उस वक्त जो भी हिंदू के सामने आता कलमा पढ़ लेता, हर वक्त नहीं, वो खास गजलों में थे ना, तब हिंदू इनको मिलते नहीं थे ना, अपन को ही पता ये खास लम्हे होते हैं, उनका ये पता जो भी सामने जाता है कलमा पढ़ लेता है, तो जब इनमें अल्लाह आता था ना, इनमें कोई भी हिंदू का और कोई भी सामने में जाए वो अल्लाह के सामने आ गया ना, अब कैसे बचेगा, अब कैसे बचेगा, तो फिर वो इन हजरतों का जवाब उसके पास है ना, तूने जैसा याज बिन यूसुफ को इतना बड़ा जालिम था, तूने इसे फिर क्यों बख्श दिया, हमने तो इससे थोड़े गुनाह किए थे, ओ तूने हसन बसी के पाँव को नहीं छुआ था ना, हसन बसी में मैं फिर ये जितने जवाज हैं ना बहाने अल्लाह के बनाए हुए पहले, फिर क्या औजत करेंगे, खत्म हो जाएगी बात, सारी बात खत्म हो जाएगी, तो इस वजह से यहाँ की जिंदगी जो है 100 साल जी लोगे, 100 साल के बाद तुम्हारे घर भी कहेंगे जाते नहीं आगे नहीं कहेंगे ना, अब तुम जिनके लिए कर रहे हो सब कुछ कर रहे हो बच्चों के लिए, जब तुम 100 साल के हो गए ना, यही कहेंगे क्यों नहीं जाते, इतना बुढ़ हो गया परेशानी का बायस बना हुआ हमारे लिए, यही कहेंगे ना, जाए जल्दी जाए, तो फिर सूरती आसी में पढ़ेंगे, दुआएं पढ़ेंगे, जाए जल्दी, जब ये 50-60-100 साल की जिंदगी और वो खत्म होने वाली जिंदगी, उसके बाद जब आपको दोबारा जिस्म दिए जाएंगे तो मरेंगे भी नहीं, सारी उम्र ही मरेंगे, करोड़ों खरबों साल ही मरेंगे, अब बताओ ये 100 साल और वो खरब साल, सब उनका दार मदार तुम्हारी इस जिंदगी के ऊपर है, बस वरना ये एक सफर है, इतना है तुम अफसर हो गए हो, तुम फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हो, वो थर्ड में कर रहे हो, वो सेकंड में कर रहे हो, बस सफर ही है सब, जब मंजिल पे पहुंच जाएंगे तो सारा सफर गाड़ी पीछे रह जाएगी, आगे बैग उठाइए चल पड़े एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, आगे प्लेटफॉर्म में क्या ना, फिर वहां उस प्लेटफॉर्म में क्या तमीज है, ये सेकंड में या फर्स्ट में, बैग उठाओ जो मुसाफिर है, यहाँ ये सफर है, रहा सवाल जिंदगी के लिए आदमी करता है कि मैं वक्त गुजारूं, तो ये तुम्हारी भूल है, जितना रिजक तुम्हारे मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया है, अवसर ना बनो तब भी तुमने उतने खाना, समझे, तुम अगर अवसर हो गए, तुम्हारे रोटियां दो लिखी हैं ना, तुम दो रोटियां तीसरी खाओगे बदसमी हो जाएगी, हो जाएगी ना, अफसर भी दो क्यों खाता है, और वो मजदूर है, उसकी किस्मत में चार लिखी हुई है, अफसर दो खा रहा है, उसकी किस्मत में चार है, और मजदूरी है वो चार खा रहा है, दो खा रहा है, और कई ऐसे देखे जिनके मुकद्दर में मामूली सारी जगह लिखा है, बड़े बड़े लखपति हो गए, वो क्या खाते हैं, रोटी खा ही नहीं सकते, बस थोड़ी सी पीस लिया, डब रोटी का दूध लिया, उसके साथ खा लेते, वो जो तुम्हारी किस्मत में वो सिर्फ रिज़्क लिखा हुआ है, जो तुमने खाना है, वो अगर तुम काम नहीं भी करोगे तब भी उसको देना लिख दिया भाई, कुत्ते को भी लिख दिया, कुत्ते आवारा कुत्ते भी खाते हैं तब भी जीते हैं ना, कीड़ों के लिए लिख दिया पत्थरों में, उनको वहां भी देता है ना, लिख दिया तब देता है ना, थोड़ा सा अब सिर्फ
वो उसने तुमको देना है, बाकी जो तुमने फालतू हासिल करना चाहना उसके लिए तुम अफसर बने ना। फालतू तुमने कार लेना चाहिए, उसने कार नहीं लिखी थी, उसने रिज़्क लिखा था ना, उसने बंगला नहीं लिखा था ना, सिर्फ रिज़्क लिखा था ना। अब जो तुमने कार भी ली, बंगला भी लिया अपनी आसाइश के लिए, लेकिन जब गए तो छोड़ गया, वो तो सब छोड़ के चले गए ना। अब उसका उलट हो गया, बच्चे को डॉक्टरी सिखाएंगे, साइंस सिखाएंगे, आला स्कूल में दाखिल कराएंगे। जो शरारती कौन किस्म का बच्चा होगा ना, उसको इस्लामी मदरसे में दाखिल कराएंगे। भाई शरारती है, इसको इस्लामी मदरसे में डालता है, तो साइंस में डालना, उधर अंग्रेजी में डालना। वो शरारती को तूने उस मदरसे में डाल दिया, दीनी मदरसे में है ही शरारती है, वो बचपन से शरारती है ना, तो वहां जाके भी शरारती है, मौलवी बन गया फिर भी शरारती है, तो दीन का नुकसान है ना, उसने शरारत पैदा कर दी, वो बख्तर फिरके बना दिए ना। भाई अगर तुम उसको अंग्रेजी में डालते, भले दीन का कुछ ना बिगड़ता ना, वो उसने दीन का बिगाड़ दिया ना, क्योंकि क्षेत्र में शरारत ही है ना। अब इन्होंने और नुकसान किया, दीन का भी नुकसान किया। तो उसके बाद असल चीज जो है ना, तुम नहीं हो, असल चीज तुम्हारा अंदर, ये उसका मकान है बस। जब वो निकल जाता है, मकान गिर जाता है, गिर जाता है। असल वहां है, पीछे भी अजल में वो ही थे, अब उसमें भी वही होंगे, जो जिस्म मिलेंगे उनको मिलेंगे, ये जिस्म तो यहीं के लिए है बस। अल्लाह, ये तो मानते हैं, असल तो वो है तुम्हारे अंदर। अगर तुम असल को जिगा लो, असली हो गए ना, असल को जगा ले तो असली हो गए ना। अगर असल नहीं है फिर नकली, फिर नकलियों में, नकलियों में क्या एतबार है, नकलियों से क्या फायदा है, नकलियों की नमाजें भी नकली है ना, जिससे बहत्तर फिर की नमाजें पढ़ते हैं, नकली नमाजें हैं, असली नहीं है ना। तो जो असली नमाजें हैं उस इंसान की है, वो तो यहाँ यहाँ तो नमाज वो नहीं पढ़ता, वो खाने का वह भी नहीं पड़ता, कहता है रब उधर भी को नहीं है, वो रब के पास ही जाकर पड़ता है। तो फिर जब रब की नमाज जो नमाजें पढ़ रहे हैं, फिर इन नमाजों के उनके सामने फिर क्या है, ये क्या अहमियत है। अब वो असली है ना, उसकी गजा गोश्त होती नहीं है, उसकी गजा अल्लाह का नूर है, और नूर इस नकल के जरिए अंदर जाएगा ना, इस वजह असल इसका मोहताज है ना। इस अहमियत ये है कि वो असल इस नकल का मोहताज है, रास्ते में इसका दरवाजा है। अब अगर ये नकल उसको पहुंचा दे, अब तुम्हारे नकली को कोई नहीं चूमता, कोई नहीं चूमते ना, आज पाँव तुम्हारे कोई नहीं चूमते ना, लेकिन जब तुम्हारा तुम बाहर नकली हो ना, अंदर की नकल है, जब तुम उसको असली बना दोगे, उसको नूर दोगे, जब वो नूरी हो जाएगा, तो ये तो तुम्हारी नकल ये भी नूरी हो जाएगा ना। इसने उसको नूरी बनाया, उसने इसको नूरी बना दिया, फिर लोग तुम्हारे इस नकल की वजह हाथ पहुंचोगे ना, अब ये भी नूरी हो गया ना, यानी वो इसका मोहताज है और ये इसका मोहताज है। अब इसका फिर फायदा क्या होगा, वो असर इसको छोड़ के चला जाएगा। अब इसको फिर क्या होगा, इसका फिर कीड़े कहेंगे नहीं ये अल्लाह वाला था, ये अल्लाह वाला इसमें रहता था, देखा होगा जहाँ अल्लाह वालों ने चिले काटे हैं, लोग वहां भी जाके ताजीम करते हैं, जहाँ चिले काटे हैं तो वो तो अल्लाह वाला इसमें रहता था ना, फिर कीड़े कहेंगे नहीं यार इसको तंग नहीं करो, इसको नहीं खाओ, इस वजह से इनके जिस्म महफूज रहते हैं ना, सुना है जिस्म महफूज रहते हैं, वो इस वजह से महफूज रहते हैं, अल्लाह वाले रह गए, असली रह गए, अल्लाह वाला रह गया, क्योंकि हिसाब किताब इससे नहीं है, हिसाब किताब उससे है जो अंदर है। ये गलाफ है बस, जिस तरह कुरान का गलाफ है, इस तरह असल रूह का ये गलाफ है। अब गलाफ को भी चूमते हैं ना, कुरान है तो चूमते हैं ना, असल चूमते हैं, असल से चूमते हैं ना, काबिले इज्जत बन जाता है, इसलिए जिसम भी उसकी वजह से काबिले इज्जत हो गया। फिर जब असल निकल जाए, तो ये भले सो रहा है, भले मर जाए, उसको क्या परवाह,
अब तो खुद ही आना जाना उसका हो गया, जब तक तो आना जाना नहीं थी उसको, इस किसका मोहताज था, चल मुझे काबे में ले चल और मुझे मस्जिद में ले चल, अपाहिज था ना तब इसको बोलता था ना, तब बोलने की जरूरत है, खुद ही काबे में चला जाएगा, सोते सोने तो मर गया मर गया, खुद काबे में चले जाएगा, काबा क्या उसके आगे, तो खुद ही अर्शे मल्ला में खुद ही उसी के पास चला जाएगा, अब वो इसका मोहताज है। तो ये असल है, इसको हमारे उलमा ने रोक दिया, इस तालीम को रोक दिया हमारे उलमा ने, वरना रब अगर मिल रहा है ना इस तालीम से, उस तालीम से रब नहीं मिल रहा, उससे जन्नत मिल जाती है, रब नहीं मिलता। तो उसी के लिए बिरछा ने फरमाया नमाज रोजा कम सुस्तो और रास्ता भूल दीजिए, तो नमाज रोजा कम अच्छा है लेकिन जो रास्ता है ना वो दूसरा है, वो नमाज रोजा वो किताब से कोई भी पढ़ लेता है, सिख आए किताबों को पढ़ा जासूस बांध के चले आए ना, 12, 14, 20, 25 साल यहाँ मस्जिद में इमाम रह कर गए, तो वो मुर्गे वही सीख ही रहे ना, मुसलमान तो नहीं हो सकते, 20-25 साल तुम्हारा तलावत भी कर गए नमाजें पढ़ा के भी मुर्गे सीख ही रहे ना, मुसलमान नहीं हो सके ना, और इसमें सिख को तुम इस लहर में एक महीना बिठा दो पता लगेगा मुसलमान हो गया, हाँ उस जरबों में बिठा दो उसके अंदर अल्लाह हो जाएगा मुसलमान, मेरे मुसलमान हो जाएगा वो 20-25 साल में नहीं हो, इस लहर में अगर काफर को बिठाते हैं ना मुसलमान हो जाएगा, मुसलमान बैठते तो मोमन बन जाता है, मोमन बैठते तो वली बन जाता है, ये वो सिलसिला है, इसको उलमा ने महदूद कर दिया, तभी सुल्तान साहब ने फरमाया नहीं कि उलमा अल्लाह के रस्ते में राजन है, कहते हैं अल्लाह के रस्ते में ये राजन है, हमें समझ नहीं आती थी राजन क्यों है, नमाजें यही पढ़ाते हैं, जनाजे पढ़ाते हैं, फिर और पढ़ाते हैं, सुल्तान साहब फरमाते हैं राजन है, हमें पता ही नहीं था अल्लाह का रास्ता कौन है, जब हमने अल्लाह के रस्ते में चले ना तो फिर पता लगा नहीं उस रस्ते में राजन है ना, जन्नत के रस्ते की तरफ ले भी जाते हैं डराते भी हैं, लेकिन जो अल्लाह की तरफ जाते हैं ना इससे रोकते हैं, अल्लाह के रास्ते से फिर कौन रोकता, भाई जन्नत तो आम है ना, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ मुसलमानों को जन्नत मिलेगी, हम तो कहते हैं अगर ये यहूदी हैं ये भी अहले किताब है ना, अपने नबी के अपने वक्त इन्होंने भी इताअत करी है ना, भाई अपने वक्त में जो इनके नबी थे उनकी इन्होंने इताअत करी है ना, ईसाइयों ने भी अपने नबी की इताअत करी है ना, अगर हमारे नबी को नहीं समझ सके, नबी के बाद जो यहूदी से वो नहीं समझ सकते थे ना, पहले वो क्या कसूर है, ये हमारे नबी से जो पहले आए हैं यहूदी ईसाई उनका क्या कसूर है, अगर उन्होंने इनको नहीं माना वो सत्य है ही नहीं, रहा कसूर हमारे नबी के बाद जो यहूदी ईसाई हैं उनमें अहले किताब में, अब उनका भी कसूर कौन है, उनके जो राह है उन्होंने बताया ना ईसा अलैहिस्सलाम का दर्जा ज्यादा है ना, पर ये खुद हमारे अल्लाह ने उलझाया है उनको, कहते हैं गोरख तंदा है उसको सही कहा उसने, मजे लगाते हैं भाई सारे नबियों को क्यों नहीं कहा रू अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम क्यों कलमा पढ़ा रू अल्लाह, दर्जा हजूर पाक को ज्यादा दिया लेकिन इनके कहा रसूल अल्लाह रसूलों में शामिल कर दिया, और सिर्फ ईसा इस्लाम को मेरी रूह है रूह अल्लाह उलझा दिया ना, तो जिनको उलझा दिया उनका क्या कसूर है, हम ये नहीं कह सकते हैं वो दोस्तियां हो सकता अल्लाह ताला उनको भी बख्श दे, गुंजाइश है, हम नहीं कह सकते हैं वो दोस्ती होंगे अल्लाह ताला उनको भी बख्श देता है, और हमारा ईमान ये भी है, हमने कई सिखों को भी ऐसे देखा है जिनके अंदर तड़प है अल्लाह की उनको रास्ता नहीं है, उनको तड़प है हम उस अल्लाह को पहुंचे, हमको सही रास्ता मिले लेकिन हमको रास्ता मिलता नहीं है, हम सिख हैं मुसलमानों में जाते हैं हमको वहां भी रास्ता नहीं मिलता, यहाँ इधर डुबड़ियां बजा रहे हैं उधर भी मस्जिद मथे टेक रहे हैं ना, वो कहते उधर मथे टेक रहे हैं तो डुबड़ियां बजा रहे हैं, बात यही की अंदर से वो भी काले हम भी काले, वो कहते हैं हम उतने फराड़ी नहीं हैं जितने तुम्हारे मुसलमान फराड़ी हैं, फिर इंग्लैंड में ईसाई ने हमको कहा था हमको बीमारी आती नहीं थी
जब से मुसलमान इसने हमको सिखाई तो फिर हम कैसे कहें कि इनमें अल्लाह है, जिस तरह हमारी डुगडुगियां उनके मत्थे टेक रहे हैं बस अल्लाह उनमें भी नहीं है, वो भी तालब है हमको कहीं से अल्लाह मिले, तो जो भी तालब है अल्लाह ताला अमल को नीत नीतों कलमों को देखते, नीयत कलम को देखता है, उसकी नीयत है अल्लाह को पाने की लेकिन उसको रास्ता नहीं है, हम कहेंगे वो भी सही दिल जो अल्लाह का तालब है अल्लाह नहीं मिलता, तालब है ना उसको तलब तो है ना, तो वो भी सही है, हम कहते हैं अल्लाह ताला उसको नहीं बख्शेगा, ये सारे रास्ते जो है ना ये चूंकि सबके लिए है ना, अब हम ये भी नहीं कहेंगे कि शैतान है तो दोस्ती है, मेहरबान आ जाए कभी लहर आ जाए कोई ऐसा काम कर बैठे जिससे चोर घोस्ता घर चला जाएगा उस शैतान किसी ऐसे वली को टकरा जाए उसी के साथ उसको बख्श दे ऊपर नहीं बस उनका मूड है, यानी हमने सुना है कि अगर शैतान ने मैं भी इस्लाम के पंपाओं का भरोसा ले लिया तो वो बल्ला बखान बसी के पाओ का भरोसा लिया पक्का दिया तो अगर मामे जी को सिस्टम इसलिए जन्नत के रास्ते में रोका नहीं है क्योंकि खुद उसकी उम्मीद है ना कुफार भी जा सकते हैं इफार भी होती भी मैं भी चला जाऊंगा लेकिन अल्लाह के रास्ते में रहूंगा इधर कोई न जाए उसमें हाथी देगा उसमें हाथ से देंगे जन्नत मतलब ला लेते हैं ना असल मकसद यही जरा अल्लाह है अल्लाह के रास्ते एक दिन किसी बुजुर्ग ने देखा कि शैतान ये ड्यूटी सारी हर आदमी को अपने अपने एजेंट हैं हमारे अपने एजेंट हैं कि अमेरिका है बर्तानिया बैठे हुए ना हम सुकून से बैठे हुए काम तो ये लोग आए ना इस तरह शैतान से एक आदमी ने पूछा तो वही था तो बड़े सुकून से बैठा हुआ तो मेरे मन में बहुत हो गया क्या जरूरत है कौन से नुमाइंदे में मौलवी को ये सारे उसी के नुमाइंदे अल्लाह की तरफ जाने लेकिन आप तुम अल्लाह लग कहते हो तफ्ती से करो अल्लाह अल्लाह क्या हाल है अब तुम अल्लाह आस्था करो हाजो उसी करो कुरान मजीद में साफ आए थे जी उससे बढ़कर जालिम कौन है जरा मस्जिदों में अल्लाह के जिक्र करो अब ये कहते हैं कि अल्लाह ने बुलंद आवाज से निकाल खुशी कर लो भाई बुलंद आवाज से करेगा तब किसी को पता चलेगा अल्लाह का जिक्र कर रहा है ना वैसे तुम बैठे तो किसी क्या पता किस सोच बैठ गए किसी क्या आप घरेलू सोच में बैठे हैं या आप अल्लाह लगा रहे हैं या किस ख्याल में या कोई बीमारी है आपको अब बुलंद अल्लाह अल्लाह करेंगे तब ही आपको रोकेगा ना ये बुलंद जिक्र के लिए कहा गया ये आए तभी के लिए अल्लाह से अब आप दिल में करें या जुबान से करें ये कान से सुने चार चीजें तुम्हारे ये बात वाले ये कान है तुम्हारे कान से सुनने अल्लाह अल्लाह कान से सुनने ये भी इबादत है जुबान से कर लें अब जुबान से करेंगे तो उसी होगी ना ये भी इबादत है दिल से कर लें तो हवी होगा ना वो भी इबादत है आंखों से अल्लाह लिखा उसी को देखते रहे ये भी इबादत है ना ये भी आंखों से देखना भी इबादत है अब आप इसी मस्जिद में चले जाएं अब वहां बैठ के अल्लाह करना शुरू कर दें फिर आपको पता चले कि मौली के अल्लाह नहीं करने देगा जवाब हो जाएगा जब अल्लाह अल्लाह करने से हर्ज क्या है जब वहां से करें या दिल से करें हर्ज क्या है अल्लाह में जब अल्लाह करता है 10-15 मिनट आधे घंटा करके चला जाएगा तो देखना तो आग लगती है तू नहीं चाहता तुझे ये लोग पसंद नहीं है तो हट के चला जा परे चला जाना लेकिन इनकी इबादत में तू तू कहते ये मेरी बात में मोहल होते हैं और तू इनकी बात में क्यों मोहल होता है रिकावट डर रहा है हो सकता है इसी अल्लाह अल्लाह से अल्लाह इनको कबूल कर आज ये बेनमाजी है आज ये गाने हैं शराबी है अल्लाह तो कर रहा है ना हो सकता है अल्लाह अल्लाह से इसके गुनाह छूट जाए तू क्यों रोकता है तो ये अल्लाह के रास्ते में डाकू जबरदस्त आपने यकीन बेशक
और जो अलग रस्ते में चलने वाले हैं उनके भी, वो अल्लामा अकबर अलाबादी ने लिखा था ना, रिपोर्ट दर्ज करा दी यारों ने थाने में, अकबर नाम लेते हैं खुदा का इल्म, वो उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था ना, अभी हजनों बाद में सुना था ना, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करा दी, अभी शोर में जाते हैं, गाना होता है, गाने वाने होते हैं, शादियाँ होती हैं, कोई शोर उनको बुरा नहीं लगता है, लेकिन जहाँ अल्लाह अल्लाह होता है उस शोर उनको बुरा लगता है, इतनी मुसलमान तो ना हो गए, ये कुछ रूल होती है, ये जो कहते हैं ना मनसूबा बंदी, इसमें गुनाह नहीं है, लेकिन इसमें जो नुकसान है, नुकसान हुए उससे, नुकसान ये हुए तुम्हारे दाम में अल्लाह ने एक बेटा देना था, तुम मुसलमान हो, मुसलमान हूँ यहाँ मेरी नीति, तुमने दरवाजा बंद कर दिया, भाई तुमने दरवाजा बंद कर दिया तो मुझे नहीं चाहिए, हाँ किसी तरीके से बंद किया तो फिर हो सकता है वो रूप किसी काफिर के घर में चले, इसी तरह वो काफिरों ने ना दरवाजे बंद किए ना तो वो रूह मुसलमानों घर में आते, बाज रूह का ये होता है इस रूह को फलां जगह उतारना, फलां जगह या फिर काफर था या मुसलमान था, वो रूह ऊपर से मुसलमान और काफर है या किसी घर में जा गए। अब रहा सवाल, यहाँ आप काफर हैं उसमें वो मुसलमान रूह चली गई, अल्लाह रूह मुसलमान है हर काफों में चली गई, अब फिर उनको अल्लाह ताला ने निकालने का भी बंदोबस्त किया, काफरों घर में चले गए हैं मुसलमान है वो आप फंस गई, फिर उनको निकालने का बंदोबस्त अल्लाह, तुम्हारे यहाँ से मुसलमान बंगाल में फंस गए थे ना, हुकूमत निकालने का सोचती थी, इसी तरह उनको फिर अल्लाह ताला ने फिर गली बना सकते थे ना, ख्वाजा साहब फिर वहाँ जब हिंदुस्तान में जाते हैं ना ला इल्लाह का जिक्र करते, पहले वो कव्वाली पढ़ते, क्योंकि उस माहौल के तहत उनमें वो नाच का रंग आ गया था, साज का रंग आ गया था, उन्होंने फिर वहाँ साज के लिए कव्वाली करना शुरू कर दी, साज के लिए फिर लोग जमा हो गए, फिर कव्वाली, फिर कव्वाली के बाद फिर ला इल्लाह इल्लाह फिर अल्लाह ये जरबे लगाई ना, तो वो जो मुसलमान हुए थे ना तो फिर इनके साथ हो गई ना, वो ही मुसलमान हुए निकले दूसरे नहीं, उसको तो ख्वाजा साहब जैसे निकाल लिया हम लोगों को, तो फिर जो मुसलमानों में काफिर हुए आ गए थे उनका क्या हुआ, इनको भी निकालना था ना, छांटी करनी था ना, अब मुसलमान है इसमें काफिर हुआ आगे तुम्हारे घर में, उसके लिए मिर्जा गुलाम मोहम्मद जैसे बना दे, वो बड़े तरीके से रूह को निकाल देंगे, वो तुम्हारे से निकाल देना, मुसलमानों से रूह निकाली पता भी नहीं चला, लेकिन काफिर बना दिया, तो इस वजह से जिन लोगों को ये गुस्सा आता ना अल्लाह उससे इस पर चिड़ते हैं ना, तो मुसलमान रूह नहीं होते, काफिर हुए तो मुसलमानों के घर में आ चुकी हैं, अब वो चिड़ती हैं, हैं वो काफिर हैं मुसलमानों के घर में लगाए काफिर हुए, अगर कोई भी शख्स अल्लाह उसे चिड़े ना समझे वो अब इसमें नहीं वो बाप है या बेटा है, नहीं ये जिसम है, इस जिस मेरे हम साया उसमें सावा आ गया, वो उसमें मुसलमान आ गया, इसमें काफिर आ गया, तो यही वजह है कि कईयों के बाप चिड़ते हैं अल्लाह उसे, तो कईयों के बेटे चिड़ते हैं अल्लाह, यही वजह है, और ये जरूरी होता है कि इनकी छांटी हो, कुफार में से मुसलमानों को निकाला जाए, मुसलमान में से कुफारों को निकाला जाए, तब ये फिरके बने, अल्लाह के नजदीक तो वो है जिसमें अल्लाह का नूर है, जिसमें अल्लाह का नूर है अल्लाह उसका, आओ किसी सिलसिले से लोग कहते हैं कि मैं किसी फिरके से हूँ, बस उम्मत में हजूर पाक के जमाने में ये फिरके नहीं थे, या उम्मती था या मुनाफिक था या खारिज था, बस या मुनाफिक था या खारिज था या उम्मती था, अगर उम्मती नहीं है तो मुनाफिक तो खारिज है ना, यही है ना, उम्मती वो जिसमें नूर है, तो जिनमें ये नूर नहीं है या मुनाफिक है या खारिज,
میں اگر سنی شیعہ وہابی بنا لیے تو مولوی نے بنایا نا جی سر سنی شیعہ وہابی مولوی نام رکھے ہوئے نا جی سر وہاں تو صرف امتی ہے اور منافق اور خوارج ہے بس یہ سوچ لیں اگر تیرے اندر نور نہیں ہے یا منافقین میں سے یا خوارجین میں سے اس کے لیے اب ضروری ہو گیا تھا اللہ سے رابطہ جوڑا جائے کہ تو کدھر ہے اب تمہیں اگر امریکہ سے بات کرنی ہے تو گھر میں ٹیلی فون لگانا پڑے گا اللہ سے رابطہ کرنا ہو اپنے اندر ٹیلی فون لگا لو اس کو ذرا ذرا صاف کرو پہلے کوئی بھی چیز ہے صاف کرنی پڑے گی نا قدیم سے پڑی ہوئی ہے اس کو پہلے صاف کرو اور صاف کے لیے حدیث شریف میں کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے دل کو صاف کرنے میں اللہ کا ذکر اللہ اللہ کرو گے نا اللہ اللہ سے یہ صاف ہو جائے گا جب بھی صاف ہو جائے سال لگے دو سال لگے پانچ سال لگے جب صاف ہو جائے گا نا پھر جب اللہ اللہ ہوگی نا تو پھر وہ اللہ اللہ اس میں نور بنائے گا پھر جب اس میں تھوڑا سا نور بنائے گی نا کہو گے میں اب داتا صاحب پہ جاؤں تو تھوڑا سا وہ دے دیں گے اب خواجہ صاحب پہ تھوڑا سا وہ دے دیں گے یہ زاکرین دوڑتے ہیں درباروں میں اور دل دوڑاتا ہے نا ان کو پھر تھوڑا وہ دے دے تھوڑا داتا صاحب تھوڑا خواجہ صاحب وہ بھاگے ہم تک پھر یہاں سے جا رہے ہیں اٹھیں گے نا سیدھی اللہ جتنا اچھے مولا میں پہنچ گئے نور نور سے وابستہ ہو گیا پھر جدھر وہ ادھر تم اور یقین کرا کہ تم اگر اس کے دین میں داخل ہو جانا یہ سارے دین بیکار ہے ہم کہتے ہیں دین اسلام بھی بیکار ہے اگر اس کا دین کے آگے ہاں اس کے دین کے آگے اسلام بھی بیکار ہے اور واقعی جو ان کے دین میں چلے گئے تو کہہ ایسا بھول گئے مندر مسجد کہا نا انہوں نے بھول گیا مندر مسجد اس کے دین میں چلے گئے تب کہا نا اس کا دین ہے اس کا دین تورات میں اور ہے زبور میں اور ہے انجیل میں اور ہے قرآن میں اور ہے اس کا دین عشق خود عشق خود عاشق خود معشوق بھلے تو اس کا عاشق بن جا بھلے تو اس کا معشوق بن جا کچھ بھی بن جا بس اس کے دین میں چلا جا بس پھر تیری نماز اس کا دیدار ہے اس وقت غوث پاک نے کہا کہ وہاں پہنچ کر بھی اگر کسی نماز پڑھی اس نے کفار نہ مانا اس وقت کہا نا بے شک بے شک لیکن اب اس میں ایک اور بھی خطرہ یہ بھی ہو گیا بعض لوگ ہیں جو وہاں تک پہنچے ہوئے نہیں نا تو پھر وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی اسی کے دل میں اگر ماغرا چھوڑے تھے نا تو وہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں وہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں یہ سمجھے جس طرح مراقبہ اگر لگتا ہے اللہ کی طرف سے مستی آتی ہے تو وہ تو صحیح ہے خوش نصیبی ہے اگر اس کی طرف سے نہیں آتی ہے تو خود بنتا تو وہ ریاکاری ہے نا ریاکاری ہے نا ریاکاری جرم ہے نا اسی طرح اگر تجھے واقعی اللہ تک تو پہنچ گیا اس کو دیکھتا ہے نا تو تو اس کے دین میں چلا گیا نا اب سارے دین تیرے بس بیکار ہو گئے نا بے شک اگر پہنچا بھی نہیں کہتا میں اس میں چلا گیا تو پھر تو ریاکار ہے نا ابھی جب تک تمہاری منزل ہے جب تک پہنچے نہیں نا تم شریعت سے آزاد نہیں ہو ٹھیک ہے عشق تمہیں چلا رہا ہے لیکن اب پہنچایا نہیں نا وہاں تک تمہاری گاڑی چل رہی ہے ابھی تمہاری گاڑی شریعت کی محتاج ہے جب وہاں پہنچ جانا میرے پہ کوئی بھی نماز نہ پڑھنا پھر ہم خود کہہ گئے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اسی کو دیکھ لے وہ صحیح ہے جتنی ٹائم دس منٹ لگائے گا وضو میں رکوع سجود میں اور دس منٹ میں دیکھ کہاں تک تو پہنچ جائے گا وہاں تک پہنچ جائے تو اس کے لیے اگر وہ شعر نماز پڑھنا کم زنا نا انہوں نے کہا نا یہ عورتوں کی طرح وضو کر رہا ہے اتنی دیر میں اس کو دیکھتا رہتا اس سٹیج میں انہوں نے کہا کہ نماز روزہ کم زنا نا لیکن یہ ایک اندر کا ایک دفعہ لگ جائے نا اس میں جی خواہش یہ ہو کہ میں رب کا دیداری کرنا ہے بس خواہش کا مقصد نہیں ہے مقصد اللہ کو پانا ہے اور جو اللہ کو رستہ جاتا ہے اس رستے پہ چل پڑنا ہے مقصد یہ ہے کہ یہاں سے میں نے پنڈی جانا ہے چل پڑا نا کوئی رستے میں تکلیفیں آئیں کچھ بھی آئے میں نے جانا پنڈی ہے میں نے اللہ کو پہنچنا ہے چل پڑا رستے میں کوئی بھی تکلیف آئے کچھ بھی آئے مقصد میرا اللہ ہے
तो हो सकता तेरी जिंदगी में तू अल्लाह तक पहुंच जाए। अगर जिंदगी में मारी गया ना तू, तो जिंदगी के बाद तुझे उन्होंने अल्लाह तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि तेरी नीयत थी ना, चल रहा था ना, जिंदगी में नहीं पहुंचा, जिंदगी के बाद लोग पहुंचाते हैं ना, उसको पहुंचाते हैं ना जो तेरी रूह है। अभी तू रूह रूह के लिए जा रहा था ना, अब ये तेरे जिस्म उसको लेके जा रहा था, अगर उसको फरिश्ते उसको ले जाएंगे, तो मरने के बाद उसको वो मंजिल। सिर्फ ये होता है कि जिंदगी में 60 साल का तखमीना लगाया जाता है कि 60 साल जिंदगी है, 12 साल इसके लिए रखी है उन्होंने, तो वहाँ क़यामत तक का हिसाब लगाया जाता है। चलो 200 साल 300 साल तक इसको मरतबा, जो उसने 12 साल में करना था वहाँ 200-300 साल लग जाते हैं, अच्छा से बढ़ जाता है, लेकिन मंजिल पूरी हो जाती है। जिस तरह शाह हकीक वाले कोई उनको जानता नहीं था, गुमनाम थे, लेकिन इसी रास्ते में लगे थे, अभी मंजिल पूरी नहीं थी, मर गए। मंजिल पूरी कराई 200 साल के बाद, मंजिल पूरी हुई, उन्होंने खुद लोगों को कहा मैं बैठूंगा इधर, आवाज दो मेरे साथ, मैं तुम्हें इलाज कर दूं, इशारे दिए, लोग जाना शुरू हो गए, पैर जाना शुरू हो गए, और खुद बुला लेते हैं फिर। ब्रिटिश वाले थे, शाह ने बताई मंजिल में जारी थे, लहूत का मकान में गए थे आफर में, अच्छा। लाल शाहबाज पे चिल्ला काटा, फिर उधर चिल्ला काटा, अभी मंजिल मिली नहीं थी, अच्छा। वो फौत हो गए। उस वक्त लोग कहते थे कि सूफी शायर थे, शायद नहीं थे जब बात थे, तो मंजिल पूरी हो 200 साल के बाद जब मंजिल मिली ना, अब लोग कहते हैं वली अल्लाह है, जारी हो गया। बस नीयत ये हो कि मैंने अल्लाह को पहुंचना है, बस रस्म में मर भी गया ना, फिर शहीदों में चला जाएगा ना, क्योंकि जो भी अल्लाह की राह में मारा जाए मुर्दा मत कहो। फिर उसको खाया है ना, तो भी उसके लिए स्वाब है ना, मैं इस वजह से खाता हूँ ताकि मुझे में ताकत रहे और मैं उसके रास्ते में चलता रहा, मैं इस वजह से खाता हूँ। तो फिर उस वक्त से लोगों ने पूछा आप भी तो खाते हैं, आप तो हमसे अच्छा से खाते हैं। उनका सिर्फ है कि तुम जीते हो खाने के लिए, हम खाते हैं जीने के लिए, तुम्हारा मतलब है हम अच्छे खाने के लिए, अच्छे खाने खाते खाते हैं बस, हमारा मतलब है हम खानों से कुछ ताकत है, अल्लाह की राह में जिहाद करें, और नीयत बदल जाती है। बस जी हम अपनी बर्खास्त दो चार लाने इनको चाहिए था, खेले तो आप बताना चाह रहे हैं, यहीं से आप तशरीफ़ मैं आता हूँ, बाथरूम से होकर आता हूँ, बाकी